नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष सिंगौड़। राजस्थान में कल यानी कि 15 मई को सियासी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वाकया था सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के समापन का। इस समापन में पायलट खेमे के विधायकों ने गहलोत सरकार का धुआं निकाल दिया। बता दें, सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेपर लीक मुद्दों को लेकर जनसंघर्ष यात्रा शुरू की थी, जिसका कल अंतिम दिन था। आमतौर पर इस यात्रा में देखा गया था कि पायलट खेमे के कोई भी विधायक नेता शामिल नहीं हुए थे, लेकिन कल यानी कि 15 मई को यात्रा के समापन में पायलट खेमे के तमाम विधायक और नेता मौजूद रहे। केवल मौजूद ही नहीं रहे, बल्कि अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर जमकर बरसे भी। खास बात यह थी कि सचिन पायलट ने भी बड़े ही आक्रामक तरीके से गहलोत सरकार को जमकर घेरा। पायलट खेमे के विधायक हेमाराम चौधरी, मुकेश भाखर, रामनिवास गावड़िया, वेद प्रकाश सोलंकी, राजेंद्र गुड़ा, इंद्राज गुचर, खिलाड़ी लाल बेरवा आदि मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने गर्मी का पारा भी बढ़ा दिया। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने क्या कहा, आप सुनिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लौटाऊंगा। मुख्यमंत्री जी, आपके और वसुंधरा जी के साथ साथ ही कोरोना होता है। कोरोना मुख्यमंत्री जी का कोरोना होता, उसी टाइम में वसुंधरा जी का कोरोना। ये मूली जुली सरकार, ये मिली जुली सरकार। मुख्यमंत्री जी, आपने बीजेपी के हेलीकॉप्टर खाली लौटाए, वो कौन सी जादूगरी थी? ये उनका, मेरे पास हिसाब और सबूत है, हमारे पास सबूत है। भाजपा के विधायकों को खरीदने का पैसे का करोड़ों रुपए का सबूत है इस राजेंद्र गुड्डा के पास। किससे? राजस्थान के ईमानदार मुख्यमंत्री। हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता का एकमात्र आशा की किरण आप हो। इस राजस्थान के नौजवान के लिए लड़ाई लड़ रहे, बचाओ इसको, इस नौजवान के सपनों को। राजेंद्र गुड़ा ने जमकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शांति धारीवाल पर निशाना साधा। गुड़ा ने कहा कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। इसके साथ ही लाडनू से विधायक मुकेश भाकर भी पीछे नहीं रहे, उनका भी बयान आप सुन लीजिए। आज कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं और हर मंच पर निशाना होते हैं आदरणीय पायलट साहब और हम लोग जो लोग बैठे हैं। जितना इनका भाषण मुख्यमंत्री जी का 4-4.5 साल का सुन लो, उनका एक ही मकसद है कि पायलट साहब और ये लोग पार्टी छोड़कर चले जाए और हमारे लोग पीछे से उस पर राज कर ले। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी हमारे पूर्वजों ने खड़ी की है। हमारे दादा परदादा ने वोट देकर इस कांग्रेस पार्टी को इतना बनाया है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यही छाती पर मूंग दलेंगे और यही रहेंगे। लीक हुआ, किसने पेपर लीक किया? साथियों, पेपर लीक करने वाली संस्था, जिस संस्था को आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इस देश को नौजवानों को अधिकार देने वाले नेता राजीव गांधी जी के नाम से बनाया था, राजीव गांधी स्टडी सर्कल, उसकी शिक्षा में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में उसके कैंपों में भाग लिया है। और जब राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग ही पेपर में शामिल है, लीक करने में शामिल है, तो कहां कांग्रेस की बात रह गई, कहां सोनिया जी और कहां राजीव गांधी जी की बात रह गई? जो दलाल पकड़ा गया उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जैसा पायलट साहब ने कहा और बात खत्म हो गई। कटारा को किसने नियुक्ति दी, इस बात पर सवाल उठेगा। आज गांव से जो लोग 1-1, 2-2 लाख रुपए लगाकर इन कोचिंगों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सवाल पूछेंगे कि सुभाष गर्ग का नाम इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि वो आपका प्रिय है। कौन है पारासर और जारोली? इस बात का सवाल जनता पूछेगी और हम भी पूछेंगे। जो कार्रवाई करनी हम पे करें और जो आप लोगों को जो भाषा में बोलना हम आप लोग बोलें। मैं आदरणीय पायलट साहब से यही कहना चाहूंगा कि पायलट साहब, ये नौजवान आपको याद रखेगा,
और इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम लोग फिर वोट मांगने जाएंगे तो जिन लोगों को सुनना नहीं है उनसे कोई नहीं पूछेगा। पायलट साहब, आपसे लोग पूछेंगे कि जब भविष्य खराब हो रहा था नौजवानों का तो आप घर में क्यों बैठे थे? तब उनके पास कहने के लिए टाइम नहीं होगा। वो नेता जिसकी कहां पर मुकेश बाकर ने कहा कि गहलोत कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन हर मंच पर हमें ही निशाना बनाया जाता है। वे चाहते हैं कि हम लोग पार्टी छोड़कर चले जाएं और उनके लोग यहां राज कर लें। लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं उनकी छाती पर मूंग दलेंगे। इसके साथ ही बाकर ने कहा कि पायलट की इस लड़ाई में जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो हम देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही हेमाराम चौधरी ने भी पायलट का जमकर समर्थन किया है। पहले आप हेमाराम चौधरी की भी बयान बात सुन ले। किसी ने किसी को हमको तो रोका, पायलट साहब ने हमको कहा इस जनसंघर्ष यात्रा में एमएलए एमपी को शामिल नहीं करेंगे। हम तो आना चाहते थे लेकिन इन्होंने रोका। एमएलए एमपी कोई जनसंघर्ष यात्रा में शामिल नहीं था, फिर भी जनसलाब तो नहीं रुका इनके साथ था। आज मेरे से भी नहीं रह गया, आज मैं भी थोड़ी जनसंघर्ष यात्रा में शामिल हो पड़ा, क्योंकि मैंने देखा कि प्रदेश की जनता सब पायलट साहब के चली गई, साथ जुड़ गई। अब पीछे कुछ बचा ही नहीं तो अपन पीछे क्या करेंगे, इसलिए अपने को इनके साथ रहने में ही फायदा है। हेमाराम चौधरी ने कहा कि हमें पायलट साहब ने मना किया था कि किसी भी एमएलए और एमपी को इस यात्रा में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन सभी पायलट के साथ चल रहे थे तो मैं भी आ गया। राजस्थान में अब देखना होता है कि गहलोत खेमे का क्या बयान आता है। पायलट ने 15 दिन का समय भी दे दिया है, यानी कि अल्टीमेटम भी दे दिया है, नहीं तो पायलट फिर से सड़क पर आने के लिए बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं, पीछे नहीं रहने वाले पायलट अब। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबरें सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।